हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ करेला करी की सब्ज़ी। सबसे पहले मैंने करेला को वॉश कर लिया था अच्छे से, और फिर उसको ना गोल गोल पीस कर लिया है मैंने। और इसमें करेले की सब्ज़ी में है ना, वो बड़े बड़े जो बीए आते हैं ना, बड़े बड़े जो बीज आते हैं वो मैं निकाल लूँगी। छोटे छोटे जो सॉफ्ट रहते हैं वो मैं रहने देती हूँ, अदरवाइज़ जो बड़े बड़े हैं ना वो फिर दांत में आ जाते हैं, फिर अच्छा टेस्ट नहीं आता, तो वो निकाल देती हूँ मैं। फिर कटे हुए करेले को एक बाउल में ले लेना है, उसके ऊपर नमक ऐड किया है मैंने, फिर एक आधा लेमन यूज़ किया है मैंने, वो उसको ना एकदम क्वीज करके फिर मैंने डाला है ताकि वो जूस अच्छे से निकल सके। फिर उसको अच्छे से मिक्स करके ढक के साइड में रख देंगे 10 से 15 मिनट ताकि उसका जो पानी एक्स्ट्रा कड़वा आता है ना वो निकल सके। तब तक मैं टमाटर और प्याज को कट कर लेती हूँ, और एक ग्रिल चिली ली है मैंने। फिर करेले को लेंगे बाउल में से, उसमें से ना एक्स्ट्रा पानी निचोड़ के निकाल लेंगे। फिर एक पैन लिया है, उसमें ऑयल डाला है, फिर ऑयल गर्म होते ही हम उसमें जीरा डाल देंगे, हींग डाल देंगे, और प्याज और टमाटर और जो कटी हुई हरी मिर्ची है उसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने यहाँ पे, उसमें हमारे रेगुलर मसाले डालेंगे और नमक थोड़ा सा ही डालेंगे, क्योंकि हमने करेले में भी नमक डाला था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ही नमक डालेंगे। फिर इसमें मैंने अपनी 3-in-1 क्यूब डाली है, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली वाली, उसमें ना थोड़ा सा सब्जी मसाला डाला है मैंने। फिर सबको मसाले को प्रॉपरली मिक्स करके फिर ढक के रख देंगे 5-10 मिनट तक। ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है, इसके अंदर ना थोड़ा सा अचारी मसाला डाला है मैंने।
फिर करेली इसके अंदर ऐड करके थोड़ा सा पानी डाल के फिर अच्छे से कुक होने देंगे। सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है। अब इसके अंदर फ्रेश मलाई होती है ना घर की, वो डालेंगे और थोड़ी सी चीनी डालेंगे 2 चम्मच। सब्जी हमारी बन चुकी है, अब इसको सर्व कर लेंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने लिया है पनीर और हरा धनिया। तो तैयार हो गई हमारी सब्जी करेला करी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, मेरी ये रेसिपी जो है वो थोड़ी सी भी पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।